श्वेता झा वन एंड ओनली, उनसे बेस्ट नगर परिषद के लिए कोई हो नहीं सकता। आप काम देखे होंगे तो आसमान जमीन का अंतर है। ये जो पोखर देख रहे हैं ना साहब, ये आप पता कर लीजिए, 10 साल में एक बार भी ना इसमें कोई झांकने आता था। इतनी गंदगी रहती थी कि हम लोग को दुकान में बैठना दुर्भर हो जाता। ये जब से मैडम आई है श्वेता झा, तब से ये पोखर एकदम शानदार बन गया। नया चेहरा देखने मांग रहा है, जैसे हम लोग का तुषार भैया है, ठीक ना, इसको अभी हम लोग। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। शहर की सरकार जनता किसे चुने की एक इस बार औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ऐसे में इस बार दिलचस्प होगा, दुमका नगर परिषद का चुनाव जो होगा वो दिलचस्प रहेगा। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही पहले प्रत्याशी ने आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विनोद लाल का। विनोद लाल ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, इस बार का नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी दावेदारी पेश करूँगा। ऐसे में तमाम सोशल मीडिया में तमाम लोग अपने अपने दावेदारी पेश करने के लिए एक बार जैसी आ गई है। सभी लोग एक प्रत्याशी के समर्थन में उतर आए हुए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार शहर की सरकार किसके सर पर यह ताज बैठता है। बहरहाल, इस बार नगर परिषद के क्या कुछ मुद्दे हैं, उसी मुद्दे को समझने के लिए हम शहर के बीचों बीच आज खड़े हैं। और आज हम ये सिंधी चौक यानी नीचे बाज़ार में हैं और आज जानेंगे यहाँ के जो आम जनता है, शहर के लोग हैं, उसकी क्या कुछ राय है और किस प्रकार के प्रत्याशी को वो लोग इस बार समर्थन करते हैं और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के नगर परिषद चुनाव में। तो चलिए आज हम बात करते हैं तमाम उन लोगों से में हैं और जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का नगर परिषद का जो चुनाव है क्यों होने वाला है खास। ऐसे में हम एक जो है टेलर का दुकान में पहुंचे हुए हैं और इस बार जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। तो दादा, क्या नाम हुआ पहले आपका? मेरा नाम एमडी मुन्ना हुआ। तो कहाँ आपका, किस वार्ड में आपका घर है? डेंगालपाड़ा वार्ड नंबर 17। तो आप एक टेलर का शॉप चला रहे हैं, एक दुकानदार होने की हैसियत से क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार का नगर परिषद का चुनाव में? नगर परिषद का चुनाव में यही मुद्दा रहेगा कि भाई मतलब साफ़ सफाई, और उसके बाद जैसे बिजली का मुद्दा जैसे हो गया तो बिजली का लाइट का तो अभी मतलब पूरे झारखंड में ही मतलब समझ लीजिए डूबा हुआ है। तो इसके लिए लाइट के बारे में नहीं है बोलते, साफ़ सफाई का मामला मेन है। जहाँ एक दुकानदार होने के नाते आपको क्या कुछ सुविधाएं इन 5 सालों में मिला, क्या कुछ परेशानियाँ रही, ऐसे क्या कुछ मुद्दे रहे हैं एक व्यापार होने के रोज़गार के मुद्दे पर क्या कुछ है? रोज़गार के मुद्दे पर अभी रोज़गारी 5 साल में तो समझ लीजिए एकदम बिल्कुल ठप ही है। और दूसरा बात है कि 5 साल में मतलब जैसे साफ़ सफाई का मुद्दा जैसे सबसे ज़्यादा रहा, जैसे बरसात के दिनों में जो है नाली का मतलब जो जितना कचरा जो है, नाली तो सफाई होता नहीं है, नाली का सारा कचरा में मेन रोड मतलब टीन बाज़ार चौक से लेकर नीचे बाज़ार तक आप देखिए कहीं से कहीं तक भरा हो जाता है। और अंदिनवा में भी आइएगा तो आप देखिएगा कि चारों साइड जहाँ तक कि मार्केट का ही दुकानदार जो है वो अपना दुकान का कूड़ा निकाल के झाड़ू दे के मतलब रोड में कर देता है। तो पहला बात कि मार्केट का दुकानदार को ये सोचना चाहिए कि भाई रोड में कर रहे हैं तो आने वाला मेरे पास ही कस्टमर जो आएगा वो कूड़ा में ही चढ़ के आएगा। तो पहले दुकानदार को सोचना चाहिए और जहाँ पर कूड़ादान है उस जगह में कूड़ा फेंकना चाहिए। क्या जो इस बार का जो चुनाव रिजर्व सीट था लेकिन अनारक्षित हो गया है, जनरल सीट हो गया, मेल फीमेल को भी लड़ सकता है, तो क्या इस बार जो पहले जो अध्यक्षा रही इस बार क्या गुंजाइश है, परिवर्तन का या कुछ अलग? देखिए, जो अध्यक्ष थी पहले उसको तो अभी तक पता नहीं, हम तो चुनाव के टाइम में ही देखे थे, उसके बाद तो हम जान भी नहीं रहे हैं कि हाँ भाई कौन अध्यक्ष है नहीं अध्यक्ष है। तो क्या कुछ आप लोग लग रहा है परिवर्तन होगी कुछ? या परिवर्तन तो होना चाहिए और परिवर्तन बहुत अच्छा से होना चाहिए। इस बार आप लोग कौन ऐसे 2 मुद्दे हैं जिस पर वोट कीजिएगा? 2 मुद्दे है कि मतलब जैसे साफ सफाई पहला मुद्दा है, ठीक है, साफ सफाई जो है वो टाउन मतलब टाउन एरिया में साफ सफाई पहला मुद्दा है। दूसरा बात कि पानी का समस्या। बहरहाल, इस बार कई मुद्दों पर वोट होगा और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का नगर परिषद चुनाव क्यों होने वाला है। मुद्दा रहेगा इस बार का नगर परिषद का चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा, लगभग जितना विकास होना था दुमका का, चौमुखी विकास हुआ है पिछले 5 साल में, विगत 5 साल में बहुत विकास हुआ है, लगभग आपका संपूर्ण दुमका में विकास हुआ है और बहुत विकास हुआ है। जैसे आप पोखरा
पोखरा देख लीजिए, खुट्टा बांध हो गया, पोखरा चौक हो गया, रसिकपुर पोखरा हो गया, सिंघारा पोखरा हो गया, सारे पोखरा के चारों साइड फुटपाथ बनना लोगों का मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। आप ओपन जिम देख लीजिए, बच्चों के लिए पार्क बनना, सिर्फ पहाड़ पार्क बनना, रोड बनना, हर एक गली में नाली बनना, मतलब एक दो रहे तो हम गिनवा पाए, मतलब हजारों हजार विकास का काम हुआ है पिछले 5 साल में। और कोरोना काल होने के बावजूद भी, 2.5 साल कोरोना काल में बर्बाद होने के बावजूद भी जो विकास का गति रहा है उससे दुमका का संपूर्ण जनता खुश है। श्वेता झा वन एंड ओनली, उनसे बेस्ट नगर परिषद के लिए कोई हो नहीं सकता। इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे, जो विकास कुछ बाकी रह गया उसको और आगे बढ़ाना है। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, मेरा घर वार्ड नंबर 12 बांधपाड़ा पोखरा चौक। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि आप नगर परिषद का चुनाव एकदम बिल्कुल जान रहे हैं, ऐसे कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, इस बार के मुद्दे में जीत उसी की होगी जो काम किया। और नगर परिषद आप पहले देखे होंगे 5 साल पहले और अभी का आप काम देखे होंगे तो आसमान जमीन का अंतर है। ये जो पोखर देख रहे हैं ना साहब, ये आप पता कर लीजिए 10 साल में एक बार भी ना इसमें कोई झांकने आता था, इतनी गंदगी रहती थी कि हम लोग को दुकान में बैठना दुर्भर हो जाता। ये जब से मैडम आई है श्वेता झा, तब से ये पोखर एकदम शानदार बन गया। आप रसिकपुर चल जाइए, आप चल जाइए खुट्टा बांध, देखिए कितना स्वच्छ है। आप पिछले के 5 साल पहले इतनी गंदगी रहती थी शहर में जिसमें इसकी कोई तुलना नहीं। और 2 साल तो सर कोरोना खा गया। इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार के यही मुद्दा है कि अगले बार से और बढ़िया काम होना चाहिए। आप लोग तो मालूम होगा कि इस बार सीट अनारक्षित है। हाँ, ये तो बिल्कुल पता है, एकदम बिल्कुल सर। कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, ऐसे तो कैंडिडेट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरा यही सवाल है कि जो काम किया उस पर आदमी वोट दे। और श्वेता झा काम किए, नया कैंडिडेट आएगा तो फिर ये चुनाव ऐसा चुनाव है ना कि पैसा का खेल होता है, ठीक है। अब फिर अगर कैंडिडेट चेंज होगा तो आदमी समझ जाएगा नगर निकाय चुनाव सिर्फ पैसे के बदौलत हो जाता। श्वेता झा ने काम किया है, इसकी हम लोग एकदम तहे दिल से। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार का नगर परिषद का चुनाव में? और हम सिंधी चौक में हैं और एक भाई साहब पान बेच रहे हैं, आइए कुछ बात कर रहे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है विजय साह। कब से आप यहाँ पर पान दुकान लगाए हुए? यहाँ बहुत दिन से, बस स्टैंड था तभी से। अच्छा, ये बताइए आपका घर कहाँ हुआ? शहर के बीचों बीच या पंचायत में? नहीं, शहर के बीचों बीच। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के नगर परिषद के चुनाव में दादा? क्या मुद्दे रहेंगे? वही पुराना काम है। क्या कुछ बाकी रह गया या क्या कुछ ऐसा काम हुआ इन 5 सालों में या क्या कुछ होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? बाकी सब काम ठीक ठाक ही हुआ है, जितना होने का सब काम ठीक ठाक हुआ है। और क्या उम्मीदें थी? बिजली की व्यवस्था खराब है। नगर परिषद में क्या कुछ? नगर परिषद में सब ठीक ठाक काम चल रहा है अभी। हाँ, अभी सब ठीक है। कैंडिडेट्स इस बार जनरल हो गया, यानी अनारक्षित सीट हो गई है। क्या कुछ लग रहा है कि इस बार कौन आने वाला है, किसकी दावेदारी मजबूत होगी? ये तो समय ही बताएगा, हम कैसे बता सकते हैं। आप किस वार्ड में हैं? हम 19 नंबर वार्ड में। 19 नंबर वार्ड में क्या कुछ बदला है या क्या कुछ उस वार्ड का मुद्दा रहा? नहीं, उस वार्ड में हम लोग ठीक है, जो था बहुत अच्छा है, हम लोग में कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है हमारे वार्ड में। परिषद का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता चला जाएगा, ठंड के मौसम में भी गर्माहट महसूस होने लगेगी, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे हैं? उसी मुद्दे को लेकर के हम एक जूता का जो दुकान है, शू का जो शॉप है, उसी में आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साबिर अहमद। कहाँ, किस, कितने नंबर वार्ड में आपका घर हुआ? 6 नंबर वार्ड, कुमारपाड़ा। क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपको? जैसे मालूम है कि इस बार का सीट जो है अनारक्षित हो गया है, यानी जनरल सीट है, महिला पहले थी कैंडिडेट, लगातार 3 बार से महिला के लिए सीट रहा, इस बार जनरल सीट है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार और क्या कितना कुछ बदला है इन 5 सालों में नगर परिषद? बदला तो बहुत कुछ है, पहले जो दुमका था आज दुमका में बहुत जो है तब्दीली आई है और देखा जा रहा है दुमका एक्चुअल में सही में साफ़ सुथरा शहर है। और यहाँ के जो अध्यक्ष खड़े होने वाले हैं या जो भी इस पद के लिए उम्मीदवार होने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ।
और हम यही चाहेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के, आप एक जनता हैं, एक वोटर हैं, मतदाता हैं, क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे जिस पर आप वोट कीजिए? मुद्दा यही रहे कि दुमका साफ सुथरा रहे, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए सर, स्वास्थ्य दुमका का जो है उस पर ध्यान दिया जाए, बहुत स्थिति गंभीर है स्वास्थ्य का, और शिक्षा का भी स्थिति दुमका शहर में गंभीर है। ये जो प्राइवेट स्कूलों में लूट खसोट का मामला पड़ा हुआ है, सरकारी स्कूल का हालत ख़राब हो रहा है, स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, सरकारी स्कूल को उसको सुधारने के बजाय सरकार मर्ज कर रही है, इस पर थोड़ा सा जो है ध्यान दिया जाए और हॉस्पिटल का स्थिति को सुधारा जाए, वहाँ जो है बर्न वार्ड जो है बनाया जाए, आपका जाकर के आईसीयू जो है, आईसीयू का तो देख के लगता नहीं है कि दुमका का आईसीयू आईसीयू है, लगता है जनरल वार्ड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जो है मतलब कि स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, और स्वास्थ्य दुमका तो साफ़ सुथरा है ही, और उसको और स्वच्छ किया जाए, सुंदर अच्छा, किया जाए। आपके नज़र में कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं आपकी नज़र में? अभी तो हमको जानकारी भी नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, अभी तक तो हम लोग महिला जो है अध्यक्ष के नीचे हम लोग रहे हैं, अब जो है पुरुष आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करना चाहेंगे कि जो भी आए अपने जगह पे और अपने जो है पोस्ट का सही इस्तेमाल करें और जो है अच्छे से उसका भूमिका को निभाएं, यही उम्मीद करते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं और ऐसे कई मुद्दों पर इस बार का जो वोट पड़ेगा, नगर परिषद का जो इलेक्शन होगा, और दिलचस्प होगा देखना, जैसे जैसे सर्द का जो ऋतु है आगे बढ़ते जाएगा, वैसे पूरे शहर में गर्माहट भी महसूस होती जाएगी। चलिए, और कई लोग हैं शहर के, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों पर इस बार का वोट होगा। तो नगर का चुनाव सरगर्मी पे है और हमारे साथ में एक चचा मिल गए हैं जो दुमका शहर के हैं, दुमका नगर के हैं। कितने नंबर वार्ड में आप रहते हैं चचा? नौ नंबर। क्या नाम हुआ आपका? दीपक प्रसाद केसरी है। क्या कुछ बदला है इन 5 सालों में नगर में, शहर में क्या फैसिलिटी मिला आप लोग को? हम लोग को कुछ नहीं मिला सर। मालूम है ना इस बार नगर परिषद का चुनाव होने वाला है? हाँ, चुनाव होने वाला है। तो क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोग का, किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? हम लोग का वोट देंगे उसी हिसाब से कि 3 बाजार में कम आता है, तोड़ भांग करता, हम लोग कमा नहीं सकते हैं। मतलब तोड़ भांग करता, मतलब कौन तोड़ भांग करता है? अतिक्रमण हटाता है? हाँ। कौन हटाता है? म्यूनसिपलिटी से आता है, उससे वही सब हटाता है। क्या बोल कर हटा देता है? ये सब हटाइए, बलडोजर आकर तोड़ देता है। क्या कुछ आप लोग का मुद्दा इस बार रहेगा? ये अतिक्रमण का मुद्दा हुआ जो आप लोग का काम लगने और देखने वाला कोई नहीं है, वार्ड कमिश्नर भी देखने वाला नहीं है। वार्ड कमिश्नर कभी भेंट हुआ कि नहीं आपका? वार्ड कमिश्नर कभी भेंट होता है, कभी सर नहीं होता, कभी बोलते तो कुछ सुन में नहीं करता है। क्या बोलता है वो? वो बोलता से अभी होगा तो पीछे होगा, कैसे होगा बोलिए। अच्छा, इस बार आप लोग का वार्ड क्या कुछ बदला है वार्ड में? हाँ। 5 साल में वार्ड में कुछ परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन हुआ उतना नहीं हुआ, मगर फिर भी सफाई गंदगी पूरा रह जाता है। पानी के क्या समस्या? पानी मिल रहा है? पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, दिक्कत होता है बहुत, बहुत दूर से पानी लाते हैं। कितना नंबर वार्ड से हैं आप बताएं? 9 नंबर है। चलिए, 9 नंबर वार्ड, ऐसी समस्याएं हैं कि पानी और साफ सफाई, ये 2 मुद्दे अहम रहेंगे इस बार का चुनाव में और देखना भी दिलचस्प होगा। चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस बार का चुनाव क्यों कुछ अलग रहेगा, क्यों कुछ खास। नगर परिषद का चुनाव की सरगर्मी शहर में अब देखी जा रही है, हर चौक चौराहे पर चहल पहल है, युवाओं बात कर रहे हैं, कहीं चाय की चुस्की है तो कहीं कपड़े दुकान में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और चर्चाएँ कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप वर्मा नाम हुआ। तो क्या कुछ करते हैं आप? यही रोड में बिजनेस करते हैं। तो कितना नंबर वार्ड में रहते हैं आप? 13 नंबर वार्ड में रहते हैं। आपको तो जानकारी हो ही गया होगा कि इस बार का चुनाव नज़दीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है, औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है। क्या कुछ इस बार के मुद्दे रहेंगे नगर परिषद के चुनाव में? नगर परिषद के चुनाव में तो इस बार नया चेहरा देखने मांग रहा है, जैसे हम लोग का तुषार भैया है, ठीक ना, इसको अभी हम लोग लेके चले हैं। क्या कि पानी का समस्या, बहुत चीज़ का देखिए, रोड में कहीं कूड़ा फेंका हुआ है, ध्यान में नहीं है किसी का कुछ। मैंने ये कूड़ा साफ सफाई एक समस्या, एक मुद्दा हुआ, दूसरा मुद्दा क्या हुआ? दूसरा मुद्दा ये पानी कभी कभी बंद रहता है, एक एक महीना बंद रहता है। शुरुआत में ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया क्या कि इस बार सोच के ही रखे हैं मन में कि तुषार भैया को ही निकालना है। ऐसे कौन सा काम बाकी रह गया था जिसमें हम नाखुश हैं इन 5 साल में?
आपको नहीं क्या, क्या कुछ पाँच साल में हुआ कुछ खास? आप नहीं देख रहे हैं रोड का स्थिति, पानी का स्थिति? आप भी तो रहते हैं दुमका में, आपको भी तो मालूम होगा। तो इन दो तीन मुद्दे हैं खास तौर पे, पानी की समस्या है और सफाई की। इसी में और एक भाई साहब हैं और ये भी खरीदारी कर रहे हैं इस दुकान में। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रोहित राव। आप किस नंबर वार्ड में? 5 नंबर वार्ड के। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे थोड़ा इधर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के इस नगर परिषद चुनाव में? मुद्दे यही है कि जितने भी लोग खड़े हुए हैं सभी अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? आप एक नागरिक हैं, एक शहर के नागरिक है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जो काम होना चाहिए था या कुछ बेहतर हुआ है? स्वच्छता के ऊपर हम चाहते हैं कि उसमें कड़ी से कड़ी ध्यान रहे। जहां चौक चौराहा में काफ़ी कचरा वगैरह फेंका रहता है उस पर नगर पालिका की तरफ से थोड़ा ध्यान हो कि समय समय पर कचरा को उठा कर फेंका जाए। और जो पानी की जो मुद्दा है, जो सप्लाई पानी जो आता है वो टाइम पर आता नहीं है और टाइमली वो आए। बाकी सब तो ठीक ही चल लग रहा है, लेकिन क्या कहा जाए, परिवर्तन कुछ होगा इस बार? उम्मीद तो करते हैं कि कुछ परिवर्तन लग रही है, हवाओं के रुख कहीं और बदलती दिख रही है। आपका मिजाज क्या कह रहा है? हमारा मिजाज देखिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम क्या कहें, लेकिन बातें हैं कुछ जो बताई नहीं जा सकती। कहीं मन में आशंका है, कहीं परिवर्तन की हवा चल रही है, ऐसे में कब लोग यहाँ पान खाने के लिए आते हैं? यहाँ सवेरे 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। कब से आप पान बेच रहे हैं यहाँ? ये करीब करीब 40 बरस हो गई है। तो चाचा ये बताइए आप कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? हम नंबर 14 नंबर वार्ड में रहते हैं। आपको तो मालूम हो ही गया होगा अब नगर परिषद का चुनाव नज़दीक है। अच्छा, क्या इस बार के मुद्दे रहेंगे इस बार और पिछले 5 साल में क्या कुछ बदला है शहर में? कुछ तो बदला है ज़रूर, है ना, मगर ज़्यादा यहाँ पर नाली का जो है वो ख़राब है ना, और कचरा ज़्यादा होता है, थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, बाइक फाइक जो रहता है चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है ना, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। और जो है अब टाउन में जो है ट्रैफिक होना ज़रूरी है, ट्रैफिक सिस्टम है और मोबाइल जो आपका ये कैमरा है वो नहीं है ना, इसी तरह थोड़ा सा व्यवस्था ख़राब होते जा रहा है। और जो जगह चौराहे है, मैदान है, फील्ड है, उसका कोई भी देख रेख नहीं है, समझे ना, कहीं बत्ती है कहीं नहीं है कहीं कुछ है, समझे ना। आप लोग फुटकर दुकान लगाते हैं, ऐसे में एक दुकानदार होने के नाते क्या कुछ मुद्दे हैं दुकानदार होने के नाते? हाँ ठीक, हम लोग तो जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं, जो भी है दुकानदार। आप लोग कैसे, आपको समस्याएँ होती है? समस्या होती है थोड़ा, प्रशासन तंग करता है, थोड़ा दिक्कत होता है। और क्या है, सफाई समस्या कीजिए थोड़ा सा उसका व्यवस्था, समझे ना, जैसे पोल में लाइट नहीं है, जगह जगह पर भेपर नहीं है, कहीं और कुछ नहीं है, समझे ना, इस पानी का भी थोड़ा सा मुद्दा ख़राब है, कहीं मोटर लगा दिया है तो पानी टान रहा है, कहीं पानी कहीं चढ़ता है, कहीं आम आदमी के लिए तो मैंने एकदम चौपट करके रखा है सब, समझे ना। कई मुद्दों पर इस बार का जो है वोट की चोट पड़ेगी और शहर की सरकार चुनी जाएगी। इस बार का सीट बात बता दें कि जनरल सीट हो गई है, इस बार कोई भी कैंडिडेट यानी अनारक्षित सीट पर कोई भी लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में लगातार महिलाएं कैंडिडेट रही है और इस बार दिलचस्प चुनाव रहेगा। एक मोबाइल दुकान में हैं हम। दादा क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार केसरी। आपका कितना नंबर वार्ड में घर हो गया? 14 नंबर में। 14। क्या कुछ मुद्दों पर इस बार वोट पड़ेगा आपका? वोट किन मुद्दों पर पड़ेगा? सफाई मेन मुद्दा हुआ, पानी हुआ मेन मुद्दा। सफाई को नहीं समझ पा रहे हैं हम, क्या सफाई नहीं होता है? ये बगल में देख लीजिए कितना कचरा, आगे में कचरा है, इधर कचरा है, चारों साइड कचरा ही कचरा है, ठीक है। और रोड वगैरह तो अच्छा है ही, ठीक है। इन 5 सालों में क्या कुछ अच्छा काम आपको लगा, वैसे 2-3 काम बताइए। वार्ड में हमारा वार्ड पार्षद ठीक है, बाकी बात और तो नहीं कर सकते, बहुत ख़राब है स्थिति। वार्ड पार्षद के चलते हम लोग थोड़ा अच्छा है। इस बार का वोट दो मुद्दे चेंजिंग, इस बार चेंजिंग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं इस बार। आप लोग भी बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव करने वाले हैं? वार्ड पार्षद की अध्यक्ष नहीं, की उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए हम लोग बदलाव, अध्यक्ष के लिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। वार्ड पार्षद के लिए? वार्ड पार्षद को तो खैर जो होगा बाकी बात देखा जाएगा, अभी तो हम लोग सहमत हैं, अभी वार्ड पार्षद से बढ़िया है। चलिए, बहरहाल कई ऐसे मुद्दे हैं, लोग बड़े सयाने भी हैं, खुल के बोलना नहीं चाहते हैं,
लेकिन परिवर्तन की जो है बयार जो है वो बयां की जा रही है, कहीं ना कहीं परिवर्तन का दौर भी चल रहा है। और मुद्दे जो दो बड़े मुद्दे हैं, साफ़ सफाई की और पानी की जो गंभीर समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। और ऐसे कई क्या मुद्दे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप लोग जोहार न्यूज़ साथ। धन्यवाद।